नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। और वो विषय है कि दोस्तों, कई बार हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं किसी भी तरह की वेबसाइट को, और ऐसे में हमारे अकाउंट से पैसा जो है वो दोस्तों ट्रांजेक्शन करते समय पैसा जो है वो दोस्तों कट जाता है। चाहे हम लोग नेट बैंकिंग का प्रयोग कर रहे हो, या दोस्तों हम लोग कर रहे हो किसी भी तरह के एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या करें, कैसे जो है वो दोस्तों अपने पैसे को रिफंड करें, और कैसे जो है वो दोस्तों उस पैसे के बारे में आप जानकारी जो है वो दोस्तों ले सकते हैं। तो आज दोस्तों अगर आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जो है वो दोस्तों देखते रहिए और सीख लीजिए कैसे करें। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ खास और कुछ बड़ा नहीं करना होता, बस आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं दोस्तों उनको अपना लीजिए, उसके बाद जो है वो दोस्तों आप ऐसा काम जो है वो कर पाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों सबसे पहले अगर आप ऐसी जानकारी जानना चाहते थे और आपको ये सही वीडियो लगी है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों। वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लाइक बटन दबाएंगे तभी जो वो दोस्तों हम इस तरह की जानकारियां आपके लिए आने वाले समय में लेकर के आने वाले हैं। साथ के साथ दोस्तों आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर में सब्सक्राइब बटन भी मिलेगा, आप उस सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको जो वो इस तरह की आगामी नई जानकारियां मिलती रहे। अभी दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे जो है वो दोस्तों आपके खाते से पैसे कट जाएं, तो उसके बारे में आप जो है वो क्या करें। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग जो है वो शॉपिंग करते हैं अमेज़न की वेबसाइट से, या फिर ईबे की हो, चाहे पेटीएम हो, या फिर हो फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों ऐसे में जो दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग करते हैं शॉपिंग अपने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, या फिर दोस्तों हम लोग जो है वो दोस्तों नेट बैंकिंग का सहारा जो है वो दोस्तों ऐसे में लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों कैसे जो है वो आप इसके बारे में अपनी जानकारी ले सकते हैं कि अगर आपकी पेमेंट जो है वो दोस्तों डिक्लाइन कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों ज़रूरी नहीं है आपकी वेबसाइट फ्लिपकार्ट ही हो, या अमेजन हो, या स्नैपडील हो, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं दोस्तों जहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो है वो करनी होती है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन नंबर अपना जो होता है दोस्तों, जो आपने ट्रांजेक्शन्स के समय यूज़ किया है दोस्तों, उसको जो है वो आप हमेशा के लिए सेव रखिए। और उसके बाद दोस्तों आप अपने नेट बैंकिंग के अंदर जाकर के, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, या ICICI हो, या HDFC हो, या दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक हो, किसी भी तरह का बैंक जो है वो दोस्तों हो सकता है, और किसी भी तरह की वेबसाइट जो है वो दोस्तों हो सकती है, आप उसके बारे में जो है वो जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सबसे पहले तो आप जो है वो 48 आवर्स का वेट जो है वो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स जो है वो कंप्लीट हो गई है, यानी पेमेंट आपके डिडक्शन में आ गई है, और उसके बाद दोस्तों जो आप काम करना चाहते थे अगर वो नहीं हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस जो है वो दोस्तों रिफंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा जो है वो नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों मोस्ट ऑफ ऑल अगर आपके वेबसाइट के अंदर कोई वॉलेट है, जैसे कि पेटीएम में, तो वॉलेट के अंदर भी जो है दोस्तों आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप वहाँ पर भी जो है दोस्तों चेक कर लीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों आप अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो उन अकाउंट्स के साथ हमेशा लिंक रखिए, ताकि दोस्तों आपको आपकी ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग ईमेल एड्रेस पे जो है वो जानकारी मिल सके, ताकि दोस्तों अगर कोई ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन नंबर ईमेल के थ्रू भी जो है वो दोस्तों सेंड कर दिया जाता है। अगर दोस्तों आपका कार्य पूरा नहीं होता है और आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो दोस्तों हो जाती है, तो आपको ट्रांजेक्शन नंबर वहां पर मिलेगा, जो इन फ्यूचर आपके लिए जो है वो लाभदायक होगा। साथ के साथ दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे जब OTP आता है, तो आपको ट्रांजेक्शन नंबर भी जो दोस्तों साथ में दिया जाता है पेमेंट करने से पहले। इसके अंदर दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जो वो अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करने से पहले आपको जो है वो दोस्तों उस कंपनी या उस सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी होती है जहाँ पर आपका पैसा अटका हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमेशा हम ऐसा करते हैं कि हम दोस्तों जिस भी बैंक का यूज़ करते हैं, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे PNB हो, दोस्तों हम कॉल करते हैं उनको, और वहाँ से जो हमें दोस्तों कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो दोस्तों नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप सीधा करिए एक काम, आप जाइए दोस्तों अपने इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पर सर्च कीजिए उस कंपनी का टोल फ्री नंबर। देखिए दोस्तों आपको लिखना होगा कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर। आप दोस्तों पेटीएम का जानना चाहते हैं तो पेटीएम लिख दीजिए और एंटर जो है वो दोस्तों कर दीजिए। और पेटीएम जैसे ही दोस्तों आप लिखेंगे, आपके सामने जो है आपको एक मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा। जी दोस्तों टोल फ्री नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई कारण है दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आप जो है वो यहाँ पर कस्टमर सर्विस जो है वो दोस्तों ले सकते हैं अगर आपका पैसा कहीं अटक गया है पेटीएम में।
तो आप दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट लिखेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट के बारे में भी जानकारी जो है वो दोस्तों मिल जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो है वो उनका मिल जाएगा। आप वहाँ पर कॉल करके अपने 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर या फिर दोस्तों 24 से 48 घंटे के बाद भी जो है दोस्तों कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि क्यों हमारा पैसा जो है वो अब तक रिफंड नहीं हुआ है और हमारी ट्रांजेक्शन जो है दोस्तों कंप्लीट क्यों नहीं हुई है। ऐसे में मोस्ट ऑफ ऑल दोस्तों 24 से 48 घंटे में आपका पैसा रिफंड जो है वो कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है वो दोस्तों अपने उस ट्रांजेक्शन नंबर को जो आपको ओटीपी के जरिए आपके मोबाइल नंबर पे जो दोस्तों एसएमएस से आता है, आपकी मेल एड्रेस पे जो है वो ईमेल के द्वारा, आपके दोस्तों जिस आप वेबसाइट पे आप शॉपिंग कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर उसके अकाउंट के ऑर्डर्स के अंदर भी जो है दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन के ऑर्डर जो है वो दोस्तों मिल जाएंगे, यानी आपको ट्रांजेक्शन का नंबर जो है वो दोस्तों मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप उसका जो है वो प्रयोग करके किसी भी तरह की जानकारी जो वो दोस्तों ले सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना कंपलसन समझना चाहिए अगर किसी वेबसाइट का आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे में यूज़ कर रहे हैं तो उम्मीद है दोस्तों कि आप जो है वो उसकी पूरी जानकारी जो है वो आप अपनी मेल आईडी पर पाना चाहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट है, जैसे कि दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं बिल्कुल ट्रस्टेड जो वेबसाइट है दोस्तों, उन्होंने खूब पैसा लगा करके जो वो दोस्तों सभी के साथ जो है वो हेल्पिंग के लिए काम किया होता है। और वहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर होती है। जैसे दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे विजिट करेंगे, जैसा हम बिल्कुल आपको सामने दिखा रहे हैं दोस्तों, आप विजिट करते हैं फ्लिपकार्ट पे तो दोस्तों आप वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है उसको SSS में जो है वो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों HTTP जहाँ पर होता है वहाँ पर दोस्तों हम सिक्योर जो है उस वेबसाइट को नहीं मानते हैं। जहाँ पर S साथ में होता है दोस्तों वो वेबसाइट जो है वो सिक्योर मानी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों उस वेबसाइट के बारे में ट्रस्टेड जो है वो वेबसाइट उन्हीं का प्रयोग कीजिए दोस्तों। अगर आप फेक वेबसाइट्स के जो है वो झांसे में फंस जाते हैं तो आपका पैसा रिफंड होना इम्पॉसिबल जो वो दोस्तों हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप जान पाए होंगे कि क्या क्या जो है वो दोस्तों आप सावधानियां बरत सकते हैं। सबसे पहले आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक्ड हो, उसके साथ साथ दोस्तों आपके मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस के लिंकिंग के साथ साथ आपको जो है वो दोस्तों ट्रस्टेड वेबसाइट से ही वर्क करना होगा। साथ में आप टोल फ्री नंबर पे जो है वो कॉल करें तब अपनी ट्रांजेक्शन्स की जो डिटेल है दोस्तों, ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो दोस्तों हमेशा अपने साथ रखें। तो उम्मीद है दोस्तों आपका कटा हुआ पैसा आपके अकाउंट में वापस जो है वो दोस्तों आ जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो सबसे पहले तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जो वो दोस्तों आने वाली इसी तरह की खास जानकारियाँ जो है वो आप तक पहुँच पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर दोस्तों अपने उन दोस्तों के साथ जरूर कीजिए दोस्तों जो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा हमेशा हो जाता है। 99% जो है वो दोस्तों चांसेस होते हैं कि सक्सेस रहे, लेकिन 1-2% चांस होते हैं कि दोस्तों हमारे ट्रांजेक्शन बीच में जो रुक जाती है, चाहे वो इंटरनेट की वजह से हो या फिर दोस्तों किसी वेबसाइट में एरर की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके अपने दोस्तों के साथ इस तरह की जानकारी शेयर करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा दोस्तों, और वो अपना पैसा जो है वो वापस आसानी से उन वेबसाइट से जो है वो दोस्तों पा सकेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों सीखते रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब लाइक शेयर अपना कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और सीखते रहिए कैसे करें।